आर्यमैन तू भी कर लियो। देखो देखो इसका आंसर, ये कोई भी मेटल है सीओ, यहाँ पे सीओ भी आ सकता था, पीबी भी आ सकता है, सीए भी आ सकता है, एमजी भी आ सकता है। अब इसमें मेरे को पता है एडीडीए जो है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएगा, तो 6 पहले से बॉन्ड बना, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आते ही ना दिमाग में ऑक्टेड्रल शेप आ जानी चाहिए, ये शेप पहले ही बना लेना तुम 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आते ही। अब इसमें देखो स्ट्रक्चर, इसको एक काम करते हैं थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। बस अब इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर एडजस्ट कर लो, CH2N, ये दिखा दिए, दो दो डोनर एटम एन आ गए। अब एक CH2, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, एक CH2, सी बॉन्ड ओ नेगेटिव, दो CH2, सी बॉन्ड ओ नेगेटिव, तीसरा वाला, और CH2, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अभी पहले बताओ स्ट्रक्चर बनाना सबको आ गया कि नहीं, इसका स्ट्रक्चर बनाना सबको आ गया कि नहीं। अब इसमें एंगल निकाल लो, आर्यन यस सर, अभी क्लियर है स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? यस सर, क्लियर है। अब देखो आप कैसे निकलेगा, आप किस किस ने आंसर निकाल लिया इसका? नित्या यस सर। हाँ ये क्वेश्चन पहले किया हुआ तुमने क्या? सर मैंने किया हुआ था। किया हुआ था क्वेश्चन, चलो चलो, नित्या ने निकाल लिया, आर्यन ने निकाल लिया, और कोई बच्चा? मैं निकाल लिया। देखो इधर एन सी ओ, ये इसको स्ट्रक्चर को ढंग से सोचना है बिल्कुल, यहाँ पे ये एंगल भी 90 है तो ये एंगल भी 90, ये चार जो है एक प्लेन में है, ये चार जो मैं शो कर रहा हूं, ये चार एक प्लेन में है, ये वाला जो बॉन्ड है ना ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तुम ये सोचो बुक है, ये बुक है एक, ये उस बुक के ऊपर उठा हुआ है बॉन्ड, और ये उस बुक के नीचे है बॉन्ड। अब समझ गए कि नहीं? तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि 90 डिग्री एंगल कैसे है, समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए ये 90 डिग्री के दो एंगल यहाँ दिखा दिए मैंने, एन सी ओ ओ वाले 90 डिग्री का इसके साथ भी एंगल बनेगा, एन सी ओ इस वाले से भी 90 बनेगा, इस वाले से भी क्या बनेगा 90, और किससे 90 बनेगा, तीन ये दिखा दिए 90, और ये बनेगा 180, और ऐसे ही इस एन के भी तीन तो होंगे 90, ये 90, ये 90, ये 90, और ये बना 180, तो 8 टोटल एंगल बनेंगे, 6 होंगे 90 वाले, 2 होंगे 180 वाले। एक बार हैंड से करना जिसको क्लियर हो गया, ये थोड़ा इमेजिनेशन है, ये तुम्हें 3D में थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैंने तुम्हें जैसे बताया ना उसको सोचना है थोड़ा सा, तुम एक बुक सोचनी है, बुक के ऊपर ये चार एटम्स है डोनर वाले, ये वाला बुक के ऊपर, ये बुक के नीचे, तो इस तरह से सोचो 90 डिग्री एंगल। एक बार हैंड से करना जिसको समझ आ गया। अभी मयंक, नित्या, छवि, आर्यमन, अर्नव, आर्यन, आन्या, मानव, नव्या, कृष्णा, नयन, तनिष्क, चलो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ये अब तुम्हें क्लियर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट नोट करना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ढंग से करना है इसको क्वेश्चन को। अच्छा अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिगेंड्स मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड हो गए, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स बता दिए, इसके अलावा लिगेंड्स आ जाएंगे, लिगेंड्स के अलावा एक इस टाइप के भी सुनी लो वैसे, ये वाला सुने होगा तुमने, BN0 ब्यूटाइलिन डायमीन, ब्यूटाइलिन डायमीन, आइसो ब्यूटाइलिन डायमीन, इन दोनों के स्ट्रक्चर बना लोगे, ब्यूटाइलिन डायमीन
आइसोब्यूटाइलिन डायमीन, प्रोपाइलिन डायमीन, PN0 प्रोपाइलिन डायमीन। मैं तीनों स्ट्रक्चर बता रहा हूँ तुम्हें। ब्यूटाइलिन डायमीन सबसे सिंपल स्ट्रक्चर, CH2 इसी से ड्राइव हो जाएंगे सारे। ये था इथाइलिन डायमीन, ब्यूटाइलिन डायमीन है तो इधर भी एक एच करो, इधर भी एक एच, ऊपर MEM लगा दो, ये होगा ब्यूटाइलिन डायमीन। अब आइसोब्यूटाइलिन डायमीन है तो CH2 वही एक ही बनाओ तुम, उससे निकल जाएंगे सारे, NH2। आइसोब्यूटाइलिन है तो यहां से एच हटा दो दोनों, CH3 लगा दो, एच नहीं है यहाँ कोई। अब ये हो गया आइसोब्यूटाइलिन डायमीन, चार्ज जीरो, आइसोब्यूटाइलिन डायमीन चार्ज जीरो। प्रोपाइलिन डायमीन है तो CH2 NH2 NH2 लिखना ही है, प्रोपाइलिन है तो कोई भी एक एच हटा के CH3 लगा दो, ये प्रोपाइलिन डायमीन, PN0। सब में चिलेटिंग रिंग्स कितनी बनेगी, एक। सब में डोनर एटम्स कितने हैं, दो। तीनों क्या है, बाइडेंटेड, तीनों क्या है, बाइडेंटेड नॉट पॉलीडेंटेड, क्लियर। तीनों क्या है, बाइडेंटेड नॉट पॉलीडेंटेड, ये बताना चाहिए। इसके अलावा लिगेंड जो है ना, इसके अलावा पढ़ेंगे चलो, हाँ इसके अलावा देखते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जाता है, सही ना, ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जाता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, सही ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या थे, एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको याद है, क्या थे एम्बीडेंटेड लिगेंड, नहीं याद है किसी को, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या थे, ऐसे एनायनिक लिगेंड्स जिसके अंदर एनायनिक लिगेंड्स विच हैव मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग साइड, विच हैव मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग साइड बट एट ए टाइम ओनली वन डोनर साइड विल बी प्रेजेंट। बोर्ड में भी है इस टॉपिक, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ये क्या है, एनायनिक लिगेंड्स। बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में मोनोडेंटेड ही लेंगे जो काम करेंगे एम्बीडेंटेड का, तो एनायनिक लिगेंड्स हैविंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग साइट, हैविंग मोर देन वन डोनर साइट बट एट ए टाइम वन विल बी एक्टिव, बट एट ए टाइम ओनली वन विल बी एक्टिव, सही ना, एट ए टाइम ओनली वन विल बी यूज, वन डोनर साइट विल बी यूज, वन टाइप ऑफ डोनर साइट भी कहते हैं विल बी यूज। जैसे मैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CN-1, तो CN-1 को NC-1 दोनों एक ही है बिल्कुल, बस डोनेशन डिफरेंट होगा, यहाँ पे सी डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे एन डोनेट कर रहा है, दोनों एक ही हैं, एक जगह सी डोनेट कर रहा है एक जगह एन डोनेट कर रहा है, इसको बोलेंगे साइनो तो इसको बोलेंगे आइसोसाइनो, ओ तो लगेगा ही, इसको साइनो तो इसको आइसोसाइनो, इसको साइनिडो सी तो इसको साइनिडो एन, ये भी एक तरीका, ये पहला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। दूसरा NO2-, जो डोनर साइट होती है उसको पहले लिखते हैं, बस ये ध्यान रखना, ONO-, दोनों एक ही हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ दोनों एक ही हैं, इसमें एन डोनेट कर रहा है तो इधर ओ डोनेट कर रहा है, वैसे इसका नाम है नाइट्रो, इसका नाइट्रीटो, नाइट्रो नाइट्रीटो, नाइट्रो नाइट्रीटो, लेकिन ये भी बोलते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों सही है, नाइट्रीटो एन क्योंकि एन डोनेट कर रहा है, नाइट्रीटो ओ, नाइट्रीटो ओ, दोनों पे चार्ज -1 और ये एम्बीडेंटेड है। तीसरा, तीन में मोस्ट कॉमन वाले बता रहा हूँ, SCN-, तो NCS-, दोनों एक ही हैं, इधर S डोनेट कर रहा है इधर N डोनेट कर रहा है, थायो नाम क्या इसका, थायो साइनिडो और इसका आइसो थायोसाइनिटो, थायोसाइनिटो थायोसाइनिटो आइसो थायोसाइनिटो, थायोसाइनिटो लिखना, साइनिडो नहीं, थायोसाइनिटो, इसका आइसो थायोसाइनिटो। दूसरा इंपॉर्टेंट, इसका नाम होगा थायोसाइनिटो एस, इसका थायोसाइनिटो एन, डोनर जो एटम डोनर होता है उसको पहले लिखते हैं, थायोसाइनेटो एस थायोसाइनेटो। तुम्हें कुछ भी ना समझ आया हो, तुम्हें कुछ भी ना समझ आया, ये तीन जरूर याद रहने चाहिए, तीन ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा लीस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये ambidentate ligands हैं, anionic ligands which have more than one donor site, but at a time one will be active. At एक time पे एक ही active, सही ना, एक time पे एक ही active होगा. Reason मैंने तुम्हें बता रखा है एक बार, reason क्या था इसका, कि इसकी stable नहीं होती ring, इनकी ring इतनी stable नहीं मानते, ये भी reason बोल सकते हैं इसका. इन तीनों cases में, इन तीनों cases, तीन member की ring बनती थी तो stable नहीं थी, चार की भी बनती है तो इतनी stable नहीं. तो ये तीन example जरूर याद रखना, बाकी आगे तुम्हें आता हो ना आता हो ये तीन जरूर याद रखना. अच्छा अब बाकी तुम्हें अब पहचानना है, तुम्हें पहचानना है इसमें से कौन सा ambidentate ligand की तरह काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कौन सा ambidentate ligand की तरह काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा. जैसे मैंने तुम्हें दिया इसमें CN नेगेटिव का OCN नेगेटिव, NCO नेगेटिव, ये काम करेगा कि नहीं करेगा. और दूसरा याद कराया मैंने तुम्हें NO2 माइनस ये ले लेते हैं, NOS माइनस SNO माइनस N आ गया, S आ गया, ONS माइनस तीसरा मैंने तुम्हें दिया CN दिया था, OCN बना लिया, NO2 दिया था, NOS बना लिया, SCN भी दिया था, SCN से बना लेंगे OCN, OCN नेगेटिव, नहीं OCN नेगेटिव दे दिया मैं, SCN नेगेटिव दिया ना, SCN नेगेटिव, NCSE हो गया, फिर आप इसमें ये ले लेते हैं, SO3 2 माइनस, दूसरा SO4 2 माइनस, PO4 3 negative, CO3 2 negative, C2O4 2 negative, C2O4 2 negative ये आ गए. इसके अलावा ले लिया 8 S2O3 2 negative, S2O3 2 negative, 9th C2O4 S2 2 minus. चलो इसमें ही ट्राई करो, इसमें ट्राई करो सर. बताना क्या है यहाँ पे आपको, बताना है इसमें से कौन कौन से ambidentate ligands का काम करेगा. ये तो ये पेयर ही दे दिए मैंने, ये इन तीनों में से एक ही बता दो बेशक, और बाकी में बताना कि एम्बिडेंट लिगेंड पे काम कर सकता है कि नहीं कर सकता. क्लियर है आर्यन? यस सर. तीन चार मिनट लगेंगे, ट्राई करना एक बार.
हाँ कर पा रहे हो कि नहीं है? आर्यन यस सर, कर लिए? यस सर हो गया। चलो एक बार मैं आंसर बता रहा हूँ, देखो किसके कितने सही है। देखो फर्स्ट है ओसीएन नेगेटिव, एनसीओएच नेगेटिव, देखो इधर ओसीएन नेगेटिव है, एनसीओ नेगेटिव है, इधर ओ डोनेट कर रहा है, इधर एन डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीसाइनेटो ओ, ऑक्सीसाइनेटो ओ और दूसरा ऑक्सीसाइनेटो एन, ऑक्सीसाइनेटो ओ ऑक्सीसाइनेटो एन, ये आ जाएगा। अब ये एनओ टू माइनस था, नाइट्रो है, ये क्या नाइट्रो, ये क्या होगा थायोनाइट्रो, तो ये थायोनाइट्रो एन, थायोनाइट्रो एस, थायोनाइट्रो ओ, तीन आइसोमर्स बनेंगे इसके। और ये तुम्हें किसी को भी तुम्हें याद है, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ सेम क्वेश्चन, ये वाला लिगेंड कहाँ यूज हुआ था, ये भी एम्बेडेंटेड है, ये कहाँ यूज हुआ था? फ्लेक्सीडेंटेड, ये नहीं, एक कंपाउंड में यूज हुआ था, अरे नहीं एक कंपाउंड में यूज हुआ था किसी, नहीं याद है? मैंने यूज किया था सल्फाइड आयन का पता लगाने के लिए, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला था, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाला था, तो Na4 FeCN5NOH, बहुत बार पूछा हुआ नीट में भी, IIT में भी, NOS वायलेट कलरेशन आता था इसका, प्रेसपेट नहीं था, वायलेट कलरेशन, याद आ गया कि नहीं है? ये आया थायोनाइट्रो, थायोनाइट्रो। अब ये, अब इसमें से निकाला किसी ने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इन सेवंथ मान लो, इनमें से कौन से हैं जो काम करेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का? इसमें से कौन सा काम करेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का? नित्या नहीं, अब देखो उधर, इसमें से सिर्फ ये करेगा, तुम्हें से कोई विदास था क्यों? ये भी नहीं करेगा, सल्फेट आयन नहीं करेगा, फॉस्फेट नहीं करेगा, कार्बोनेट नहीं करेगा, ऑक्सिलेट भी नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा। अब तुम्हें से विदास था कि सल्फाइड कर रहा है, बाकी क्यों नहीं कर रहा, सल्फाइड कर रहा है तो बाकी क्यों नहीं कर रहा है, चार बाकी, चार फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, के पास लोन पेयर है। हाँ सही है, देखो सल्फाइड के अंदर एक बार ये S डोनेट कर सकता है और एक बार ये O नेगेटिव डोनेट कर सकता है, तो जब S डोनेट करेगा तो उसको बोलेंगे सल्फाइटो S, ITO लिखना, और जब O डोनेट करेगा OSO2 टू नेगेटिव, OSO2 टू नेगेटिव, तो इसे बोलेंगे सल्फाइटो O, याद रहेगा कि नहीं है? सल्फाइटो S सल्फाइटो O, क्लियर हो गया कि नहीं है? और बाकी कोई भी नहीं कर सकता काम, एम्बिएंट लिगेंड का क्या रीजन आएगा? एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, हाँ लोन पेयर नहीं है ना, सल्फेट आयन बिल्कुल सिमेट्रिकल है, देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसमें तो कुछ भी हमेशा ओ ही करेगा ना नेट, तो इधर गए तो ये भी नेगेटिव है, सभी नेगेटिव है ना, ये तो बराबर के, तो इसलिए सल्फेट फॉस्फेट कार्बोनेट ऑक्सीलेट सब एक जैसे हैं, तो इसमें कोई काम नहीं करेगा, इसमें कोई काम नहीं करेगा एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब आ गया थायोसल्फेटो, स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले, सल्फेटो की तरह ही है, एस डबल बॉन्ड एस, ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ,
H2O3 टू नेगेटिव है। अब इसमें इसमें किसका काम करेगा, एक बार कौन डोनेट करेगा, एक बार कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन और सल्फर। हाँ इसमें है, एक बार डोनेट करेंगे दोनों ऑक्सीजन, सपोज दोनों ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं, एक बार बाइडेंटेड मान रहे हैं इसको, जब इसको बाइडेंटेड मान रहे हैं, और एक बार सल्फर और ये ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो इसको मैं लिखूंगा, अगर मान लो दोनों ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं तो O2 S O, और क्या बच गया, S2O था ना, S2O बच गया, टू नेगेटिव। तो ये आ गया थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो नाम इसका, थायोसल्फेटो जब दोनों O डोनेट कर रहे हैं, O O डैश बाइडेंटेड मानते हो इसको, इसको बाइडेंटेड मानते हो, और एक बार O एस डोनेट कर रहे हैं तो S और O लिख देना, SO2 टू नेगेटिव, ये O भी डोनेट कर रहा है, ये S भी, तो उसका नाम होगा थायोसल्फेटो OS, थायोसल्फेटो OS, थायोसल्फेटो OS। तो ये भी बाइडेंटेड है, ये भी बाइडेंटेड है। नेक्स्ट, अब बचा ये डाइथायो ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेट आयन क्या होता है, C2O2 आएगा इसमें, C2O2 आएगा, इसका नाम है डाइथायो ऑक्सिलेटो आयन, डाइथायो ऑक्सिलेटो आयन। स्ट्रक्चर इसका C(O), S(O), C2 है ना, जैसे ऑक्सिलेट आयन होता है सेम वैसे ही स्ट्रक्चर बनाना है, बस S आएगा, चार्ज लगा देना नेगेटिव ऑक्सीजन पे, ये ऐसे बना दिए स्ट्रक्चर। तो एक बार तो क्या होगा, दोनों O डोनेट कर सकते हैं, एक बार क्या होगा, दोनों S डोनेट कर सकते हैं, और एक बार होगा एक O और एक S, एक बार जब दोनों O डोनेट कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर ऐसे लिख देना O2 C2 S2 टू नेगेटिव। तो डाइथायो ऑक्सिलेटो OO डैश, डाइथायो ऑक्सिलेटो OO डैश, एक बार दोनों S S2 C2 O2 टू नेगेटिव, डाइथायो ऑक्सिलेटो SS डैश, डाइथायो ऑक्सिलेटो SS डैश, डाइथायो ऑक्सिलेटो SS डैश, और एक बार एक S एक O C2OS टू नेगेटिव, डाइथायो ऑक्सिलेटो OS, डाइथायो ऑक्सिलेटो OS। क्लियर हो गया कि नहीं, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड डिटेल में समझ आ गया कि नहीं, एक बार हैंड जेस्चर करना जिसको समझ आ गया एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या है। मयंक, छवि, कृष्णा, आन्या, नित्या, आन्या समझ नहीं आए, नयंत, आन्या, तनिष्क, क्लियर है। चलो अभी ये यहां तक पढ़ लेना, अभी तुम्हें लिगेंड्स बता दिए हमने, लिगेंड्स कल कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड्स और होंगे, इनोसेंट लिगेंड्स या फिर पाई एसिड लिगेंड्स, पाई डोनर लिगेंड्स जिसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग भी आती है, ये बता दूंगा, ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर नेमिंग में बता दूंगा। लिगेंड जरूर पढ़ लेना ढंग से, इंपॉर्टेंट है बहुत, नेमिंग जब करेंगे वो इजी लगेगा, फिर नेमिंग काफी इजी लगेगी, नेमिंग, आइसोमरिज्म, VBT, CFT, चार मेन टॉपिक हैं ये, आइसोमरिज्म में टाइम लगेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, और वो मैंने तुम्हें जो भेजा हुआ है IUPAC नेमिंग वो कर लेना जरूर, IUPAC नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन, किस किसने कर लिया, तुम में से सबने कर लिया ये, आर्यन तूने कर लिया कि नहीं ये? नो सर, IUPAC नहीं हुई अभी। और ये नेम रिएक्शन डिस्टिंक्शन? यस सर, ये कर लिया। चलो IUPAC देख लेना जरूर, हैं वेडनेसडे को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी।